आंखों से छू के बाहर दी है। आ गए सब, मैं भी आ गया। तो गाइस आज का वीडियो एकदम ताज़ा है, फ्रेश है, एकदम इस तरह का न्यू इफेक्ट आपको यूट्यूब पे नहीं मिले। अच्छा, तो ये इस दावा के साथ कह सकते हैं इसका जो ट्यूटोरियल है आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। न्यून इफेक्ट आपको सिर्फ पीसी से बना सकते थे, लेकिन इस मोबाइल से बनाएंगे न्यून इफेक्ट कुछ इस तरह का जो आप प्रीव्यू में देख रहे होंगे। एकदम ताज़ा है, फ्रेश, एकदम इजी तरीका से आपको बताएंगे न्यून इफेक्ट बनाने के लिए। तो ये जो ऐप है ना, एलाइट मोशन, कैपकार्ट, कोई ऐप से यूज नहीं की जो आप का ट्यूटोरियल दिए हैं ना, इसका ट्यूटोरियल फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ इस ऐप का ट्यूटोरियल। तो वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना तो वीडियो जो है ना तीन दिन चार दिन का डालने का मन करता है, सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा, लाइक कर दिया कीजिए, तो रेगुलर वीडियो आएगा ना, मज़ा आएगा आपको भी, हमको भी आएगा आपसे बात करने में, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके बाद चलिए आज का वीडियो सिखाते हैं, तो इसका जो है ट्यूटोरियल है ना वायरल होने वाला ट्यूटोरियल है, तो चलिए आज का वीडियो सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई बकचोदी किए हुए। तो चलिए, तो सिंपली बनाने के लिए सिंपली जो है ना ई ऐप का जरूरत पड़ेगा। इसका जो नाम इंटरफेस देख लिए होंगे, तो इसको ओपन करते हैं। आपको लास्ट में इसका बताएंगे कहाँ पे डाउनलोडिंग करना है। जो आपको पते है तो इसको एकदम फ्री है ना ऐप, आपको प्रो मोड का यूज नहीं करना पड़ेगा, ये बात है। इसके बाद सीधा आपको सेटिंग पे आ जाना, सेटिंग पे आ जाना कि यहाँ पे है ना वाटर मार्क, इसको इनेबल होगा, इसको डिसेबल कर लेना। इसके बाद वाटर मार्क ऐप का नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे सीधा आपको आ जाना प्लस पे टाइप कर लेना है, प्लस पे। उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो चूज कर लेना, वीडियो चूज सेक्शन पे आ जाना। उसके बाद हम ब्लैक वीडियो है इसको सेलेक्ट कर लेकर टी आर लाइकन पे एरो पे टैप कर लेना। थोड़ा देर प्रोसेसिंग लगा तो थोड़ा वेट कर दीजिएगा, जो ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद इसको स्क्रॉल कर लीजिएगा, जहाँ तक आपका सॉन्ग का लेंथ है वहाँ तक रख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको बैक आना, बैक आना इस वाला एरो पे टैप कीजिएगा, बैक आ जाएगा। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको फोर आइकन पे मिलेगा रेडियो, तो रेडियो पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपका 9:16 कर लेना, जिसमें रिजर्वेशन पे बनाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। हम 9:16 में बनाए थे, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे प्लस म्यूजिक एड म्यूजिक पे टैप कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे वीडियो दो दो चार एक पाँच आइकन है, तो पाँच आइकन में आपको यहाँ पे सिंपली आपको चार आइकन पर क्लिक कर लेना, फोर एवल आइकन पर। यहाँ पे वीडियो को चूज करने मिलेगा, जो इंपोर्ट किए रहेंगे तो यहाँ पे सॉन्ग दिखने के लिए मिलेगा। तो उसको सीधा इंपोर्ट फ्रॉम एल्बम पे जाते हैं, उसका जो भी वीडियो बनाए होंगे उसको सेलेक्ट कर लेना। तो उसको सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे शो करेगा, इस पर टैप कर लेना है और हल्का प्ले कीजिएगा। जो भी पार्ट लेना चाहते हो कट कर सकते हो, जो भी कर सकते हो कर सकते हो, यहाँ से जैसे कट कर सकते हो जो भी आपका पार्ट चाहिए। उसके बाद यहाँ प्लस आइकन पर टैप करेंगे, प्लस आइकन पर टैप करने के बाद जो है ना इसको दो फिंगर से जूम कर लेते हैं। ऐसे जूम करने के बाद इस पर लिरिक्स लिखेंगे, न्यून वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो इसके बाद बैक आते हैं, बैक आने के बाद यहाँ पर आ जाना है टेक्स्ट पे, टेक्स्ट पे आ जाने के बाद सीधा यहाँ पे जो भी आपका लिरिक्स है वो लिख लीजिए। तो पहला मेरा लेके तो ये लिख लेते हैं, ये वाला लिरिक्स था। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है स्टोर पे, स्टोर पे आ जाने के बाद यहाँ पे तीन नंबर पे आएगा नियोन, नियोन को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग बहुत सारा नियोन है, तो ये वाला नियोन को यूज करना है। तो जैसे आपको दिखा देते हैं ये वाला नियोन यूज करना है, तो हम इसको यूज किए थे, तो देखिए ये वाला नियोन आप यूज कर सकते हैं। इस पे यूज नाउ पे क्लिक करेंगे, यूज नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है ना आपका जो हम गलत पेस्ट कर दिए थे इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इसको डन करते हैं, डन करने के बाद आपका लिरिक्स कहाँ तक था, यहाँ तक था। इसको हम इस पे यूनिट नाउ पे क्लिक करते हैं, तो यूनिट नाउ पे क्लिक करने के बाद ये जहाँ तक आपका लिरिक्स है उस फर्स्ट लिरिक्स वहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ इस पे इमोजी दिए थे, इमोजी कैसे दिए थे, GIF वाला इमोजी था। तो कैसे दिए थे, इसमें खास बात यह है इस ऐप में जो वो जो आपको GIF वाला इमोजी वाला एक पर्सनल ऐप, तो उसको डाउनलोडिंग करते होंगे, उसके बाद ऐड करते होंगे, तो बहुत ज़्यादा झंझट होता होगा डाउनलोडिंग करने का समस्या। इसमें ऑलरेडी ऐड है तो इसके लिए नेट कनेक्शन चाहिए ना, तो इसको ऑनेबल कर लीजिएगा, नेट कनेक्शन ऑन कर लीजिए। उसके बाद इस पे आ जाना है ई वाला सिंबल पे। कैसे आएगा ई वाला सिंबल, सीधा आपको टेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा ना टेक्स्ट पे, तो इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, इस पे टैप कीजिएगा। तो इस पे टैप करने के बाद सीधा इमोजी पे आ जाना, यहाँ पे स्टिकर है बहुत सारा ज़्यादा है, जो स्टिकर यूज करना चाहिए, GIF है, टैक्स है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक शेयर, बहुत ज़्यादा इमोजी, जो भी खोजिएगा इमोजी मिल जाएगा। फिलहाल के लिए हम इमोजी पे आते हैं, जो इमोजी हमारा पसंद का ये वाला मान लेते पसंद है, इसको सेलेक्ट करते हैं, नेट कनेक्शन ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा वेट कर लीजिएगा, हल्का डाउनलोडिंग होता है, डाउनलोडिंग होने के बाद इस इमोजी को हम यहाँ पे बीच यहाँ पे यहाँ उंगली से ये वाला जो है बीच में इसको इनेबल कर लीजिएगा, जहाँ ऊपर नीचे जो करना है तो हम कर लीजिए, हल्का छोटा करना, ये वाला एरो पे जाइएगा, ये वाला एरो पे,
तो छोटा हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम इतना पे रखते हैं, हल्का रोटेट कर लेते हैं। उस रोटेट करने के बाद जो है ना फिर सेकंड जो है यहाँ तक इमोजी आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। तो छोटा कर लेते हैं यहाँ तक जहाँ तक लिरिक्स है। उसका सेकंड लिखने के लिए जो लिरिक्स आपको कॉपी सेव करना है, तो लिरिक्स एंड में आ जाना है, स्क्रॉल कर लिरिक्स पे टैप करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सेकंड जो लिरिक्स है नोट पेड में लिख के रखे हैं, उसको हम कॉपी कर लेते हैं। फास्ट में कॉपी करते हैं तो से है, मान लेते हैं से है। तो यहाँ पर आपको यहाँ आ जाना है वही वाला एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको एडिट पर आ जाना है। एडिट पर आ जाने के बाद यहाँ पर से लिख लेना, उसके बाद डन करना है, यानी सीधा कि बैक नहीं कर लेना, बैक कीजिएगा तो नहीं होगा लिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जहाँ तक लिरिक्स है, मानते हैं यहाँ तक लिरिक्स है, यहाँ तक इसको छोटा कर लेते हैं। इसमें इफेक्ट एनिमेशन नहीं देते, एनिमेशन देने के लिए सिंपली जो है इस पर टाइप कर लीजिएगा और उसको स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ एनिमेशन, एनिमेशन पर आ जाना है, 3 नंबर पर आ जाना है लॉप पर। तो लॉप पर आ जाना है, यहाँ पर 2 वाला आइकन है, 2 नंबर वाला आइकन है, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये 5 होगा, इसको रेटिंग तो रेट इसको 0 कर लीजिएगा। 0 कर लेने को आपको जो है नियोन इफेक्ट हल्का ग्लो टाइप का दिखाई देगा। उसके बाद फिर से इसमें भी कर लीजिएगा। उसके बाद इमोजी इसमें देना चाहते हैं तो इमोजी देने के लिए सिंपली इमोजी नहीं दिए थे, स्टिकर देना चाहते हैं तो स्टिकर पर टाइप कीजिएगा। इमोजी के बगल में है तो उसको आप, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टिकर है, यहाँ पर अगर अपना गैलरी में जो स्टिकर है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, इसमें यही खासी बात है। मान लेते हैं हमारे पास जो है ना स्टिकर, मैं यूज कौन सा यूज करूँगा, तो फिलहाल के लिए मैं ये वाला यूज करूँगा तो ये वाला यूज करूँगा। इसको यहाँ पे रख लेते हैं, इसको रन करते हैं, यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए आपको ऐसे आएगा, इसको कट नहीं कीजिएगा, छोटा कीजिएगा। कट कीजिएगा तो इमोजी जो है ना स्टिकर वर्क नहीं करेगा। इसको छोटा करके यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ तक कर लेते हैं। थर्ड लिखने के लिए सीधा इसी को हम इस एंड में आते हैं, स्क्रॉल करके कॉपी करते हैं। अब जो भी लिरिक्स इस पर टैप करते हैं, एडिट पे जाते हैं, लिरिक्स को जो भी है आपका लिख लेना तो लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर से इसमें इमोजी देने के लिए सीधा इस पर आ जाना है, बेक हल्का कीजिएगा, इस पर आ जाना है, इस पर इमोजी देने के इमोजी वाला सेक्शन पर आ जाना है। लास्ट में होगा आपका जो भी इमोजी है, आपको जैसे मान लेते हैं ये वाला देंगे इमोजी, इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसको हल्का डाउनलोड होता है, नेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से इसको जहाँ पे रखना चाहते रख सकते हो, इसी को डुप्लीकेट करना चाहते हो तो सीधा इस पे एकदम आ जाना, लास्ट में कॉपी कर लेना है। तो कॉपी कर लीजिएगा तो ये उठा के आपको यहाँ पे कर लेना है, जहाँ तक है यहाँ तक कर लेना, जहाँ तक आपको देना चाहते 2 इमोजी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये वाला इमोजी है ना हल्का ऊपर रखूँगा, यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके की भी आइकन है तो की आइकन को हम रिमूव करते हैं, की आइकन पड़ गया था तो ये रिमूव करते हैं। अगर की आइकन देना चाहते हैं तो जैसे मानते हैं स्टार्टिंग में की आइकन देते हैं, यहाँ पे मेरा जो है की आइकन देते हैं, इसको हम ऊपर कर लीजिएगा तो की आइकन वर्क करेगा कुछ ऐसे। देखिए तो की आइकन नहीं देंगे फिलहाल के लिए, हम डिलीट करते हैं, नहीं यूज करेंगे इसको। तो हम देते हैं इसको, हम छोटा कर लेते हैं। इमोजी को कट भी कर सकते हैं, ये तो कट कर लीजिएगा, इमोजी वर्क करता है कट में भी। तो उसका सीधा इसी प्रोसेस से लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इसमें, आपको डिटेल बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा ना इसलिए आपको डिटेल में नहीं बताएंगे। तो चलिए आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो एक्सपोर्ट कर लेना के बस यार कैपकार्ट एप्लीकेशन में चलते हैं। तो कैपकार्ट को ओपन कर लेते हैं, वीपीएन कनेक्ट कर लीजिएगा। कैपकार्ट एप्लीकेशन ओपन होने का प्लस पे टैप कर लेना है। उसका जो भी वीडियो बनाए हैं एलाइट मोशन भूखने का आदत हो गया, तो जो बीटा ऐप से बनाया है उसको इनेबल कर लीजिए, उसको एंड इसको इंपोर्ट कर लीजिए। इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद जो है ना ऐड पे टैप कीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसके लिए स्पीड में बताएं। इसको कट करना है, जैसे जब जानवे करते हैं पिछला वीडियो भी देखेंगे तो उसमें कट कैसे किए थे, उसी तरह से कर लीजिएगा। तो हम जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिरिक्स यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसको हम टैप करते हैं कट कर लेते हैं। फिर आगे आते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसको करते हैं स्प्लिट करेंगे। इसी प्रोसेस सारे को कर लेना है कट, इस पर टैप करना है, मान लेते हैं इस पर फिर कट कर लेना है। फिर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो कट कर, इसी प्रोसेस कट कर लीजिएगा। चलिए आगे प्रोसेस देखते हैं। तो हम कर लिए हैं इस पर एनिमेशन देंगे। तो एनिमेशन देने के लिए सिंपली इस पर टैप करना है, एनिमेशन पर जाना है, क्योंकि उसमें एनिमेशन नहीं था इसलिए एनिमेशन नहीं दिए। तो कॉम्बो पर जाते हैं, इसमें एनिमेशन है ना, अच्छा इसीलिए। तो इसको पेंडुलम 1 में सेलेक्ट किए थे, पेंडुलम 1, फिर 2 में किए थे पेंडुलम 2, फिर 3 में किए थे पेंडुलम 1, उसके बाद बीच में जो है ना डिस्क्रिप्शन लेफ्ट और राइट कर लिए थे। देखिए पेंडुलम 1 फिर से दिए, फिर पेंडुलम 2 दिए, फिर डिस्क्रिप्शन लेफ्ट, डिस्टेंस लेफ्ट, उसके बाद सिर्फ राइट नहीं दिए थे, लेफ्ट दिए थे। उसके बाद फिर आगे आ जाना, तो आगे आ जाने के बाद जो है इस वाले इफेक्ट को यूज किया था। देखिए आपको 3D जो है ना यहाँ पर आ जाइएगा, ये वाला इफेक्ट इसको यूज किया था। फिर सेकेंड में वही वाला 3D का 2 वर्जन है उसको यूज किया था। फिर आगे आ जाने के बाद जो है
जैसे यहाँ पे है ये वाला स्पिन एंड स्लाइड, इसको सेलेक्ट किया था वन नंबर वाला। उसके बाद फिर बीच में जो है ना पेंडुलम वन को सेलेक्ट कर लिया, फिर आगे पेंडुलम टू को सेलेक्ट कर लिया। इसी प्रोसेस से आपको एडिट कर लेना, उसके बाद चलिए आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो पीछे पीछे वाला जो पार्ट होगा ब्लैक स्क्रीन उसको डिलीट कर दीजिएगा, एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट करने के बाद चलिए नोट वीडियो में चलते हैं। हल्का सा ग्लो देंगे क्योंकि इमोजी पर अच्छा वर्क करे, इसीलिए ग्लो देंगे। फ्रेंड नोट वीडियो को सेलेक्ट करने हो, ओपन हो जाने के बाद प्रो मोड सेलेक्ट कर लेना। इसको ग्लो देना चाहते तो दे सकते हो, नहीं तो अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। सिंपली इस पर न्यू पे टाइप कर लेना, जो भी एलाइट मोशन से वीडियो बनाए थे उसको पहले रेशियो सेलेक्ट कर 9:16 कर लेते। प्लस पे टाइप करते हैं, मीडिया पर जाते हैं, वीडियो पर जाते हैं, जो कैपकट सब लिख कट करके जो एनिमेशन डाले थे उस वाले वीडियो को सेलेक्ट करें, उस वाले वीडियो को ये था। इसके बाद यहाँ पर आ जाना है प्लस पे, यहाँ पर आपको ग्लो लिख लेना। सिंपली के लिए ग्लो हम लिखते हैं, तो ग्लो लिखते हैं, ग्लो को हम सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए नहीं सेलेक्ट करना सीधा, इसका जो कलर आपको रेड है रेड दे देना है, जो भी आपको येलो भी दे सकते हो, हम फिलहाल रेड दे देते हैं। इंटेंसिटी 0.6 रखते हैं, 1.6 रखते हैं। उसके बाद यहाँ थ्रेशोल्ड है हल्का डिक्रीज करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर ऐसे एक हल्का सा ग्लो देखने को मिलेगा। तो देखिए कुछ ऐसे मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा। हल्का थ्रेशोल्ड को 0.20 के आसपास रखिएगा। सीधा आपको क्लोज कीजिए इसको, सीधा वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। इस पर टाइप कीजिएगा, एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो फिर ये वाला ऐप जो है प्ले स्टोर पे फुल फ्री वर्जन में अवेलेबल है, जाके डाउनलोडिंग कर सकते हो। इसका नाम है बीटा एप्लीकेशन। जो आप सुने होंगे इसका जो है बहुत ज़्यादा एड उड दिखाता होगा, इसीलिए आज को ट्राई किए, मन अच्छा लगा इसीलिए आपको बता दिए कि इस तरह का वीडियो बहुत ज़्यादा एकदम ताज़ा से बना सकते हो। तो वीडियो आज का वीडियो पसंद आ चुका होगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ऐसे ही वीडियो को सीखने के लिए वरना लाइक करो, फॉलो करो।